यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट टू में पढ़ते हैं और जिनका आरबी हिंदी है, चाहे फिर वो आर्ट्स वाले हो या फिर साइंस वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो, उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने महात्मा गांधी वाला चैप्टर पढ़ लिया था, अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। आज हम सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि बुक में दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला है, विनोबा भावे का बचपन का क्या नाम था? तो विनोबा भावे का बचपन का नाम विनायक भावे था। ये सब का आंसर दिया गया और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 25 जून 2022 को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इसका पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट इसका लेकर भी पढ़ सकते हैं। अब हम बताते हैं इस सब का आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये पाँच का भी आंसर दिया हुआ है और फिर हम खोक से शुरू करते हैं। समर्थ गुरु रामदास दैस राज के संत थे, तो वो महाराष्ट्र के थे। विनोबा भावे जीवन पर्यंत दैस में रहे हैं, तो वो जीवन पर्यंत वर्धा आश्रम में रहे हैं। सर्व न सुखी न संतु डैस ने गाया है, तो वो ऋषियों ने गाया है। जब प्राणियों की रक्षा के लिए डैस बैठा है, भगवान बैठा है। कृष्टि लोग डैस में आए थे, तो कृष्टि लोग उत्तर भारत सॉरी दक्षिण भारत आए थे। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो विनोबा भावे का जन्म जो है 1895 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। विनोबा नामकरण जो है उनका पूज्य बापू ने किया था। विनोबा भावे बचपन में विनायक भावे कहलाते थे। विनोबा भावे ने असत्य और हिंसा त्यागने का संदेश दिया। विनोबा भावे का निधन 1982 ईस्वी में हुआ। आज़ादी से पहले स्वराज शब्द से हमें प्रेरणा मिलती थी, बिल्कुल सही है। इस्लाम धर्म का प्रचार मुसलमान राजाओं ने किया था, गलत। विनोबा जी पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव था, सही। फकीरों ने ही भारतवर्ष में विषमता का प्रचार किया, गलत। ऋषि ने चतुष्पदे आदमी के लिए कहा है, ऋषि ने चतुष्पदे आदमी के लिए कहा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का सही। नेक्स्ट है, विनोबा भावे का जन्म हुआ था। तो विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने वाला शब्द था स्वराज। मनुष्य ने अपने कुटुंब का हिस्सा बनाया था तो गाय और बैल को। चातुर्वर्ण के निर्माण के क्रम में सबसे पहले बना था ब्राह्मण वर्ण। नेक्स्ट है, सर्वोदय की कल्पना में से जवानों में होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए उत्साह का संचार। अब नेक्स्ट है, फिर ये देख लीजिए, ये भी आप लोगों का आंसर दिया हुआ है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा या फिर स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का राजेंद्र, ये सब भी 8 तक दिया हुआ है। अब खो का हम लोग देखते हैं, डैश सूट लेकर कपड़े बुनते थे तो जुलाहा, डैश पुराने खानदानी समझे जाते थे तो जमींदार। नेक्स्ट है, रामलीला में वानरों के कपड़े होते थे लाल। नेक्स्ट है, त्यौहारों में सबसे प्रसिद्ध होली होती थी। नेक्स्ट है, होली का विशेष भोजन पूरी और मालपुआ था। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद का पहला लेख 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, इन्हें मंगला पारितोषिक मिला था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ये हिंदी संसद का प्रथम अध्यक्ष बने थे 1926 ईस्वी को। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, गांव में साग सब्जी बिल्कुल नहीं मिलती थी, गलत हो जाएगा। रामनवमी और विशेषकर जन्माष्टमी में मठ में तैयारी होती थी, सही। दधिकादों में के दिन दही हल्दी एक दूसरे पर डालते थे, तो ये भी सही है। मनोरंजन एक अच्छा साधन शतरंज थी, गलत। रामलीला थी। दिवाली के दिन किरासन तेल नहीं चलाया जाता था, गलत। राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरादेई में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए पर स्वतंत्र भारत के प्रथम तो राष्ट्रपति हुए थे। गांधी साहित्य पर राजेंद्र प्रसाद की सर्वोत्तम रचना कौन थी? तो उनकी सर्वोत्तम रचना थी बापू के कदमों में। नेक्स्ट है आप लोगों का दशहरा, खास त्यौहार था जमींदारों का। भादो सुदी चतुर्दशी को मनाया जाने वाला त्यौहार था, अनंत चतुर्दशी था, ओके। और ये सब आप लोग फिर लिंग निर्णय ये सब पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये सब भी चैप्टर का ये सब आंसर दिया गया, आप लोग पीडीएफ में जाके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को बताएंगे या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। काका कालेलकर मूलतः मराठी भाषी के थे, उनका राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। आत्मरक्षा अहिंसा का प्रयोग एक लाल प्रयोग है। नेक्स्ट, US और कनाडा के बीच हजारों मील की सरहद है। नेक्स्ट है, देश अहिंसा और भाईचारे पर आधारित है, तो रामधन अहिंसा और भाईचारे पर आधारित है। नेक्स्ट है आप लोगों का काका कालेलकर का जन्म, तो काका कालेलकर का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का अधिवेशन हुआ था 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चीन के साथ भारत युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंद सागर समुद्री अधिराज अब तक ब्रिटेन का ही है। नेक्स्ट, भारत ने मैत्री स्थापित की थी चीन के साथ भी। नेक्स्ट है, काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, सही। भारत और ब्रह्म देश के बीच की सरहद बहुत छोटी है, गलत। बड़े
पैमाने पर बांग्लादेशी हमारी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, तो सही अहिंसा का अभिनव चित्र वर्तमान में एक उपयोगी निबंध है, सही। काका कालेलकर का मूल नाम था दत्तात्रेय। नेक्स्ट है अपनी पुस्तक भाषा प्रयोग में संकलित काका कालेलकर का निबंध है, तो अहिंसा का अभिनव चित्र। नेक्स्ट है अफ्रीका के दक्षिण से आने जाने वाले भारतीय खलासी के साथ आया था वास्को डी गामा। उत्तर में भारत की रक्षा करने वाला है, उत्तर में हिंद हिमालय पर्वत है, उत्तर में कौन है, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट काका कालेलकर के अनुसार हिंद महासागर में हमें हमारे जहाज़ों की संख्या बढ़ानी चाहिए 100 गुनी। और ये सब आप लोग, ये सब्जेक्टिव वालों के लिए है, तो अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम नहीं है, तो ये सब का भी आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी अनुपम कृति है भाषा की शक्ति। नेक्स्ट है ये राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी रहे थे और यूपी के ये मुख्यमंत्री रहे थे और राजस्थान के राज्यपाल। वर्तमान संदर्भ के धर्म में धर्म का स्वरूप अनेक हो गया है। संकुचित स्व पर केंद्रित कार्य अधर्म है। नेक्स्ट संपूर्णानंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी। राजपूत जीवन की संध्या पुस्तक आरसी दत्ता की रचना है। नेक्स्ट है दुर्गेश नंदिनी नामक पुस्तक जो है वो बीसी चट्टोपाध्याय की रचना है। संपूर्णानंद के अनुसार धर्म ही सुख समृद्धि का साधन है, मानव समाज धर्म एक रूपता कायम करना है। नेक्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी, तो ये सही है। समाज और धर्म एक दूसरे के परिपूरक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। धर्म का काम समाज को स्वस्थ रूप प्रदान करना है, तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर संपूर्णानंद कभी जेल नहीं गए, तो गलत है, ये जेल गए थे गांधी जी के चक्कर में। इनका निधन 1970 ईस्वी को हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है समाज और धर्म के निबंधकार कौन है, तो समाज और निबंधकार है दत्तात्रेय। नेक्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद आजीविका वृत्ति से थे, तो एक शिक्षक थे। सुप्रसिद्ध नगर और तीर्थस्थल वाराणसी अवस्थित है, तो वो अवस्थित है, व्यापारी थे। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध नगर और तीर्थस्थल वाराणसी अवस्थित सॉरी सुप्रसिद्ध ओहो सॉरी ये तो इसका था सुप्रसिद्ध नगर और तीर्थस्थल वाराणसी अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार में काम किया था मुख्यमंत्री के पद पर। नेक्स्ट है निबंधकार के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ है मोक्ष। ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सब मुहावरे का प्रयोग, गुलर का फूल होना, दुर्लभ होना, ना घर का ना घाट का, कहीं का ना होना, गला घोट देना, मार डालना, ये सब पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देश की आशा किसे कहा गया है, तो किसान को। ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा या फिर स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय में मेरठ जनपद कहाँ है, तो मेरठ जनपद गाजियाबाद में। नेक्स्ट अग्रवाल जी ने देश ग्रंथ का संपादन किया, तो श्रृंगार हट का। भारतीय किसान की कूंजी देश है, तो आत्मनिर्भरता है। भारतीय किसान देश तथा उपभोग में आत्मनिर्भर है, उत्पादन तथा उपभोग में आत्मनिर्भर है। खेतिहार होना हमारे लिए गर्व की बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अग्रवाल जी मथुरा संघ के अध्यक्ष रहे थे 1931 से लेकर 1939 ईस्वी तक, अर्थात हरसई है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्रवाल जी लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष रहे थे, तो वो 1934 से 1946 ईस्वी तक रहे थे। अग्रवाल जी दिल्ली म्यूजियम के अध्यक्ष रहे थे, दिल्ली म्यूजियम के अध्यक्ष भी रहे थे 1946 से 1951 ईस्वी तक, अर्थात द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अग्रवाल जी का जन्म हुआ था, तो अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। और अग्रवाल जी का निधन हुआ था 17 जुलाई 1966 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का अग्रवाल जी के पिता का नाम लाला गोपीनाथ था, तो बिल्कुल सही है। अग्रवाल जी की प्रारंभिक शिक्षा पब्लिक स्कूल दिल्ली में हुई थी, गलत है। नेक्स्ट अग्रवाल जी ने पीएचडी की काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, तो इन्होंने पीएचडी जो है काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने धरती में किसान सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति की है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संतोष और परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है, सही है। नेक्स्ट लाला गोपीनाथ का विख्यात नाम क्या था, तो उनका विख्यात नाम शाहजी था। नेक्स्ट है अग्रवाल जी भारतीय महाविद्यालय काशी के अध्यक्ष पद पर थे, तो वो किस अध्यक्ष पद पर थे, तो वे जो हैं चेतना विभाग में थे। नेक्स्ट है अग्रवाल जी ने श्रृंगार हाथ नामक ग्रंथ का संपादन किया था मोती चंद्र के साथ। नेक्स्ट है मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय किसान है, तो पूर्ण आत्मनिर्भर धरती शीर्षक निबंध का मूल प्रतिपाद भारतीय किसानों का है, निश्चल जीवन। ओके, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ये ताजमहल, ये इसका भी आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, ये भी 9 तक है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल निबंध है, तो एक ऐतिहासिक निबंध है। भगवत शरण उपाध्याय ने डैश विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण। नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का ताजमहल डैश नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट है उस्ताद डैश का सिरा जुमनी नमूना शाहजहाँ को जच गया था, तो उसका। नेक्स्ट है सूर्यकांत पत्थर डैश ने बनवाया था पंजाब में, तो नेक्स्ट है भगवत शरण उपाध्याय का जन्म
उनका जन्म हुआ था बलिया जिला में हुआ था। नेक्स्ट है, इनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक का नाम है इंडियाज कालिदास एज। नेक्स्ट है, भगत शरण उपाध्याय ने संपादन किया था, तो इन्होंने संपादन किया था विश्वकोश हिंदी का। नेक्स्ट है, अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहाँ की मलका थी। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हुई थी 1040 हिजड़ी में हुई थी। नेक्स्ट है, भगत शरण उपाध्याय का गद भावपूर्ण अलंकृत है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, आदमी जीता मरता है पर उसका काम अमर हो जाता है, बिल्कुल सही है। आगरे का ताजमहल लाल संगमरमर का बना हुआ है, गलत। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ताजमहल बनाने में इंग्लैंड के कालानवंतों को मंगाया गया था, सही। ताजमहल का निर्माण कार्य 30 वर्षों पूरा हुआ, सही। ताजमहल शीर्षक निबंध के लेखक है तो भगत शरण उपाध्याय। भगत शरण उपाध्याय का जन्म हुआ था बलिया जिले में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, अर्जुमंद बानो बेगम भतीजी थी, तो वो नूरजहाँ की भतीजी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल बना हुआ है तो ताजमहल आगरे में बना हुआ है। ताजमहल मोहब्बत का इजहार है जिसे बनवाया था शाहजहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का ये मुतली सत्यनारायण का, ये सब डिटेल दिया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को शुरू में ही बता दिया किस डेट को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, या फिर आप लोगों को पीडीएफ जो है 25 जून 2022, जी हाँ 25 जून 2022 को इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का भाषा प्रयोग पुस्तक में कुल 9 निबंध है। नेक्स्ट है, मुतलू सत्यनारायण आंध्र प्रदेश के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, मुतलू सत्यनारायण मूल रूप से तेलुगु भाषी थे। हिंदी का भावी रूप निबंध एक विचारात्मक निबंध है। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना गांधी जी ने की थी, ये विनोबा भावे नहीं, गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है, मुतलू सत्यनारायण आंध्र प्रदेश के साहित्यकार थे। राष्ट्रभाषा समिति वर्धा द्वारा आसाम भारतीय राष्ट्रभाषा, आपको देखिए ऐसे बताते, कम्बन और वल्ली और बंडाल, तो ये तमिल भाषा भाषी थे। हिंदी प्रादेशिक भाषा से घिरी देश के मध्य स्थान में बसे हुए, भारतीय संविधान द्वारा 14 भाषा स्वीकृत है। और फिर तो बचा, राष्ट्रभाषा समिति वर्धा द्वारा आसाम में हिंदी प्रचार का गठन हुआ। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, घ नंबर, हिंदी का भावी रूप भाषा प्रयोग में संकलित 4th निबंध है, तो गलत है, 8th निबंध है। मुतलू सत्यनारायण बहुभाषी साहित्यकार थे, तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत कुल 18 भाषाएं, गलत 14 भाषा। संविधान की धारा 351 में हिंदी का स्वरूप निर्धारण, गलत। भारत की भावी संस्कृति के निर्माण में प्रादेशिक भाषाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, सही। मुतलू सत्यनारायण का जन्म हुआ था तो 2 फरवरी 1902 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों का, मुतलू सत्यनारायण दक्षिण भारत सभा के प्रधानमंत्री रहे थे कब से कब तक, तो 1938 से लेकर 1968 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी और कश्मीरी भाषाएं चालू है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत की गई थी संविधान 1943 के द्वारा। अभी भी भारतीय संविधान की मूल भाषा है, तो मूल भाषा अभी भी हिंदी ही है। नेक्स्ट है आप लोगों का, ये तारों की जीवन गाथा जिसके लेखक हैं आप लोगों के डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर जी, इसको भी स्क्रीनशॉट करके आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दिया गया वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तारों की चमक एक सी नहीं होती, मानव नेत्र तारों के बीच भेदभाव देखने में असमर्थ है। सूर्य एक सामान्य तारा है। डैश तारे सबसे कम ताप के होते हैं, तो रक्तवर्णीय तारे सबसे कम ताप के होते हैं। विकिरण शक्ति में गुण में सूर्य एक मध्यम श्रेणी का तारा है। धुत्ती का दूरी वर्ग के प्रतिलोम अनुपात होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दाहिनी और कोने में दानव तारे पाए जाते हैं, बिखरे हुए पट्टे के नीचे श्वेत वामन तारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सभी तारे तेजस्वी नजर आते हैं, तो ये गलत है। सूर्य सर्वाधिक प्रकाशवान दिखाई देने वाला तारा है, तो बिल्कुल सही है। सर्वाधिक प्रकाशवान दिखाई पड़ता है लेकिन सर्वाधिक, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य पृथ्वी के बहुत निकट है, सही। तारा विस्फोट लगभग 100 वर्षों में एक बार होता है, सही। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 25 किलोमीटर है, गलत 15 किलोमीटर है। नतुन मांग सकते दुष्ट मनिनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योग में स्वरम, यह श्लोक श्रीमद् भगवद्गीता के 11th अध्याय में है। नेक्स्ट है, कोई भी प्रकाशवान वस्तु प्रेक्षक से जितनी दूर जाए उतनी उसकी धूती होती जाती है कम। सूर्य से 30 किलोमीटर में है, लगभग 6.5 लाख है। नेक्स्ट, विस्फोटक की अवस्था को प्राप्त तारे को कहते हैं अधिनव तारा। जैसे जैसे तारे का रूप छोटा हो जाता है उसका आकर्षण घटता जाता है। ओके, तो आज हम लोगों ने हिंदी का सारा कर लिया, तो अब तो आप चलिए आप लोग आराम से जाके एग्जाम दीजिए, और बहुत सारे टिप्स भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए हैं, वो सब देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।